हेलो गाइस एंड वेलकम टू माइन्यूर एजुकेशन सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑफ बी कॉलेजेस और आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट डीसेंट कॉलेज उमेरा खान कॉलेज ऑफ एजुकेशन लोकेटेड इन जोगेश्वरी मुंबई ये काफ़ी एक डिसेंट लेवल का कॉलेज आपको देखने को मिलेगा अगर आप बी एड या फिर ई e. के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फॉर द ईयर टू तो आज हम इस कॉलेज को इनसाइड आउट देखेंगे देखेंगे इसकी क्या फीस स्ट्रक्चर होगी क्या फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहां से देखने को मिलती है बिकॉज किसी भी कॉलेज में जाने से पहले आपको उसके इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी फैसिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए तो अगर आप एक एस्पिरेंट हो जो कि बी या फिर रियल सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फॉर धयर टू थाउजेंड तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले सो स्टेट मी टिल दी एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी बट बिफोर वी मूव ऑन दिस एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉर देट ऑल द स्पेसिफिक वीडियो रिलेटेड टू बी एड लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन लाइव पेपर एनालिसिस और वर्कशॉप्स आपको सबसे पहले मैन्यूअर बी एड एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे तो अगर आप ये वीडियो बड़े एंट्रेंस पर देख रहे हो फटाफट से उसको सब्सक्राइब कर लो अगर आप यह वीडियो मैन्यूअर एजुकेशन पर देख रहे हो दिन लिंक फॉर मैन्यूअर बी एड एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन इफ यू टू स्टार्ट यर प्रिपेन्न फॉर द नेक्स्ट ईयर और सब्सिक्वेंट हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम फॉर द लाइव क्लास एंड ऑनलाइन सेशन यू कैन कॉन्टेक्ट अंबर डबल एट या फिर फाइव फोर एन फिर इन मुंबई लुकिंग फॉर क्लासरूम कोचिंग यू कैन विजिट सेंटर्स वसई दादर बोरिवली थाने अंधेरी वे फाइव सेंटर्स इन मुंबई और हमारा पुणे सेंटर काफी आ रहा है आपको इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना कर दो इसलिए आप हमें फॉलो कर सकते हो तो, सोशल मीडिया पर सच एस टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक रिगार्डलेस ऑफ द बैचेजेड विद्यू लेक्सलॉट मोथसिंग महाराष्ट्र एजुकेशनल सोसाइटी

उमेरा खान कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी के अंडर ही ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ है एम ई एस इज़ अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट एम ई एस हैज़ ऑलवेज बीन कमिटेड टू दी कॉज ऑफ प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन एट वेरियस लेवल्स तो आपको यहाँ से जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो भी टॉप नॉच ही देखने को मिलेगी फ्रॉम इट्स हम्बल बिगनिंग्स इन दी

काफ़ी अच्छा डिसेंट लेवल पर आपको ये कॉलेज एजुकेशन भी प्रोवाइड करेगा और फैसिलिटीज एंड प्लेसमेंट्स भी प्रोवाइड करेगा अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए एडमिशन टू बी एड फुल टाइम रेगुलर कोर्स इज डन सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस विच इज़ ऑल्सो नोन एज कैप राउंड कंडक्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स इधर इन द बैचलर डिग्री यर प्रोग्राम इन बी ए कॉम बी एस सी और फिफ्टी परसेंट अगर आपके फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव जीरो से लेकर फोर्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन तक है तो भी आप एलिजिबल हो इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी सच एज़ एस सी एस टी ओ बी सी वी जे एन टी वन टू थ्री फोर्टी फाइव परसेंट अगर अब फोर्टी फोर पॉइंट फाइव जीरो से लेकर फोर्टी फोर पॉइंट नाइन नाइन है तो भी आप एलिजिबल हो फॉर सी ई टी एग्जामिनेशन फॉर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर बी बी आई फार्मेसी लॉ फाइन आर्ट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स म्यूजिक डांस ड्रामा अगर आप इन सारे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो दी एड सीट विथ फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स एट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विल भी एलिजिबल फॉर ओपन कैटेगरी एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी टी परसेंट एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्वीव एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम तो अगर आपने इन सारी चीज़ों से हटकर कुछ और क्वालिफिकेशन हासिल की है then also you are eligible for this examination. The reservation and relaxation for SC, ST, OBC, PWD and other categories shall be as per the rule of central government, state government whichever is applicable. So possible hai yahan par maharashtra jo जो ct ka exam hai आपको इसके थ्रू ही इस college admission मिलेगा। आप कोई और score यहाँ पर नहीं चला सकते। You have to appear for the महाराष्ट्र B.A.C.T examination। अच्छा सा score कर लो इसमें। This college is waiting for you. अगर यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो आपको काफ़ी अच्छे लेवल पर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा दे हैव वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स काफ़ी स्पेशियस भी क्लासरूम्स हैं इनके इनके पास कंप्यूटर लैब्स हैं जहाँ पर आप अपनी रिसर्च वर्कस कर सकते हो लाइब्रेरी भी है काफ़ी ज़्यादा डेटा आपके रिसर्च वर्क के लिए आपको इस लाइब्रेरी में देखने को मिलेगा एंड दे ऑल्सो हैव डिजिटल लाइब्रेरी एज वेल तो आप इन सारी चीज़ों का फायदा उठा सकते हो दे हैव मल्टीपर्पज हॉल दे हैव रिसोर्स रूम अब करिकुलम पढ़ पढ़ के बोर हो जाओगे राइट तो यहाँ पर रिसोर्स रूम भी है जिसमें जिमनेशियम है जिसमें आप टेबल टेनिस खेल सकते हो पूल खेल सकते हो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको रिफ्रेश और रीजिगनेट कर देगी दे ऑल्सो हैव स्पोर्ट्स ग्राउंड जहाँ पर काफ़ी तरीके के स्पोर्ट्स वो कंडक्ट करवाते हैं एक काफ़ी बड़ी कैंटीन भी है उनके पास और एक बोर्ड रूम भी है जहाँ पर आप अपने हेल्दी आइडियाज रख सकते हो और उस पर एक हेल्दी डिस्कशन भी हो हाउ कुल इज दैट और अगर इवेंट्स की बात की जाए तो इस कॉलेज में काफ़ी सारे इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे आप करिकुलम बढ़, बढ़ कर कितना ही पढ़ोगे आप बोर हो जाओगे तो किसी भी कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर और इवेंट्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि इनमें अगर पार्टिसिपेट आप करते हो तो आपको इनके सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं जो कि आगे जाकर आपको आपकी प्रोफेशनल फील्ड में काफ़ी काम आते हैं तो इनके पास काफ़ी सारे इवेंट्स ये कंडक्ट करवाते हैं सचेज वर्कशॉप्स एंड सेमिनार सेलिब्रेशन ऑफ इंपॉर्टेंट डेज जैसे कि इनका कॉलेज इनाग्रल डे हो गया या फिर कोई इंपॉर्टेंट डे हो गया तो ये वो भी सेलिब्रेट करते हैं कॉन्वोकेशन सेरेमनी यहाँ पर होती है एकेडमिक इवेंट्स होते हैं कल्चरल इवेंट्स होते हैं एजुकेशनल विजिट्स भी होती है सोशल अवेयरनेस इनिशिएटिव्स ये कॉलेज लेता है तरह तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स ये कंडक्ट करवाते हैं और स्टूडेंट काउंसिल भी होती है आप देख सकते हो कि काफ़ी फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी इस कॉलेज को विजिट करते हैं तो आप इस कॉलेज को टारगेट डेफिनेटली कर सकते हो आपके पास काफ़ी सारे रीजनस बन जाते हैं इस कॉलेज को टारगेट करने के लिए क्योंकि अगर हम इसके फीस एंड प्लेसमेंट्स की तरफ देखें तो इसकी फीस जो है वो काफ़ी मिनिमल है फिफ्टी एट थाउजेंड एट नाइन्टी राउंड ऑफ करके आप सिक्सटी थाउजेंड भी पकड़ सकते हो तो भी काफ़ी मिनिमल लेवल पर आपके पूरे दो साल का यहाँ पर कोर्स हो जाएगा सीट इंडेक हंड्रेड तो आप इसको इजिली टारगेट कर सकते हो थोड़ा सा कॉम्पिटिशन आपको कम मिलेगा क्योंकि इसकी सीट इंटेक्स ज्यादा है और अगर प्लेसमेंट्स की बात की जाए तो इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सारे टॉप स्कूल्स में प्लेस्ड हुए हैं जहाँ पर आप भी फ्यूचर में पढ़ा सकते हो सचेस्ट रीदा इंटरनेशनल स्कूल ज्ञान केंद्र सेकेंडरी स्कूल एस सी डी बर्फीवाला हाई स्कूल बॉम्बे कैम्ब्रिज मनीलाल नानावटी स्कूल ऑर्किड्स इंटरनेशनल स्कूल गार्डियन इंटरनेशनल स्कूल शारदा ज्ञान पेड़ इंटरनेशनल स्कूल जानकी देवी पब्लिक स्कूल न्यूटन एपल स्कूल डॉक्टर पिल्ले ग्लोबल एकेडमी सी पी गोयका इंटरनेशनल स्कूल एम वी एम कॉलेज ऑफ कॉमर्स लॉर्ड्स यूनिवर्सल जूनियर कॉलेज तो ये सारे टॉप कॉलेज या फिर टॉप स्कूल में आप भी प्लेस्ड हो सकते हो तो आपके पास काफी सारे रीजन बन जाते हैं इस कॉलेज को टारगेट करने के लिए दैट्स मच इट फॉर द वीडियो आई होप कि आपको इस कॉलेज के बारे में पता चल गया होगा अगर पहले नहीं पता था तो इस वीडियो के बाद आपको डेफिनेटली इस कॉलेज के बारे में पता चल गया होगा और आप इसको टारगेट ही कर रहे हो इफ यू हैव एनी डाउट एंडक्वाइरीज यू कैन राइट डाउन इन दी सेक्शन और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन टू शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी वंस वनस अगे इफर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन एंट्रेंस काइंडलीसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल और अगर आप ये वीडियो मेन्यू link for many of your beard entrances in the description. check and that's pretty much it for the video until then see you in the